कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति पर अब एनसीबी की जो रडार है वो भारी पड़ने वाली है। भारती सिंह के घर पर एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा रेड मारी गई है। सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में ये रेड मारी गई, जहां एनसीबी के 4 ऑफिसर मौजूद हैं और जो एनसीबी के हेड हैं मुंबई जोनल के, यानी कि समीर वानखेड़े, उनकी निगरानी में ये पूरी रेड की जा रही है। बताना चाहेंगे कि कई दिनों से एनसीबी की रडार पर कई सारे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन फिलहाल कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर रेड मारी गई है। लगातार एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से ही मुंबई में तैनात हो गई थी, जहां कई सारे ड्रग पेडर्स को अरेस्ट किया गया था, कई सारे बॉलीवुड के और टेलीविजन के सेलिब्रिटीज से भी सवाल जवाब पूछे गए थे। फिलहाल इसी बीच में भारती सिंह और उनके पति हर्ष लंबाचिया को एनसीबी द्वारा समन भेजा गया है। दोनों को ही अब इंक्वायरी के लिए मुंबई के एनसीबी के हेडक्वार्टर में जाना होगा। ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं कि कल या परसों के दिन एनसीबी के ऑफिस भारती सिंह और हर्ष लंबाचिया पहुंचेंगे अपनी सफाई देने के लिए। अगर दोनों के स्टेटमेंट्स में कोई अनबनी आती है या किसी भी तरीके से अगर दोनों ही एनसीबी के ऑफिसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने जवाबों से, तो दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। देखना ये होगा कि अब एनसीबी ने जब भारती के घर पर रेड मारी है और रेड जारी है, तो आखिर अगला शख्स कौन होगा और क्या भारती और हर्ष सच में ड्रग्स का कंजम्पशन करते थे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।